लुधियाना की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बहादुर के रोड में सब्जी मंडी और रेड़ी फड़ी मालकों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। मंडी के ठेकेदार के खिलाफ रेड़ी फड़ी चालक धरने पर बैठे हुए हैं और आज धरने के दूसरे दिन रेड़ी फड़ी मालकों के समर्थन में लोक इंसाफ पार्टी के सिमरजीत सिंह बैंस और अकाली दल समर्थन में उतर आया और वहाँ पहुँचकर रेड़ी फड़ी चालकों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर सिमरजीत सिंह बैंस ने आरोप लगाया कि जो माफिया पहले अकाली भाजपा की छत्र छाया में चल रहा था और अब वो कांग्रेस चला रही है। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी विक्रेताओं के साथ सचिव मंडी बोर्ड से मिलेंगे और उन्हें लोकसभा चुनाव का बायकॉट ना करने की अपील भी की। इस दौरान अकाली दल के जिला प्रधान रणजीत सिंह ढिल्लो ने भी सब्जी विक्रेताओं की समस्याओं को सुना। पंजाब के अंदर जेड़ा माफिया लफज है ना, वो एड्डी वड्डिया डूंगा जड़ा उदिया हो गई, बाबा बोर्ड बन गया। ये गरीब बेचारे 2:30 बजे 2 बजे उठ के रात को पहले पैर अपना परिवार का रोजी रोटी पालन लिए आते हैं तो माफिया तंग करके गैर कानून तरीके दे नाल वसूली कर रहा। आ बार फड़िया लगियां ने इन्हों को वसूली हो की जा रही है। सफाई का नामो निशानी मंडी के जेडे सफाई सेवक आ वह अफसर सवाना के घर रोटियां पकाने पर लगे हुए हैं। सो इन मजदूर साथियों दिक्कतां सुन तो बाद मैं इन्हों इंश्योर किया भी जेडे सैकटरी मंडी बोर्ड है गया, मैं उन्होंने गल करदा इतने धरना लाए का की फायदा। इन्हों लैके जाऊंगा सैकटरी के दफ्तर के जेड़ा बाबू एसी छड़ के बैठा। इन्हों दिक्कतों का समाधान कराने वास्ते लुट माफिया नकेल पाने वास्ते मैं मजदूर साथियों इंश्योर किया भी चिंता ना करो, जो बिले सेक लगता बलूंगड़े उदों पैर थले आ जोड़े लोकल पद्धर के अफसर आ जिनी देर तक उपर वे बिल्लिया सेक नहीं लगना ये बंदे नहीं बनने। सो ये मैं फिर इंश्योर करूंगा गरीब साथी है इन्हों दिक्कत का समाधान लुट बंद करा मेरी ड्यूटी। जागृति लहर के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा सोनी की रिपोर्ट।